बांग्लादेश में बगावत की ऐसी आंधी चली कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। 5 अगस्त 2024 की दोपहर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हवाई अड्डे से सेना के एक विशेष विमान ने उड़ान भरी। इस C-130 मिलिट्री हेलीकॉप्टर में खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सवार थीं। मगर तब तक प्रदर्शनकारियों के दबाव में शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया था। हिंसा के बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका था। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। मगर इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब विमान 5:36 पर भारत की राजधानी दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर उतरा। और ये सब तब हुआ जब बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा था। मगर सवाल ये कि आखिरकार बांग्लादेश में बगावत हुई कैसे, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी मौजूद हैं। मंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पीछे की मैं तस्वीरें अगर दर्शकों तक पहुंचाऊं और वो दिखाना चाहूं तो ये तस्वीरें शायद विद्रोह की साफ गवाही दे रही हैं बांग्लादेश में। मगर सवाल ये कि क्या ये विद्रोह सिर्फ आरक्षण की वजह से हुआ या इसके पीछे की कुछ और कहानी है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। ये मेरा मानना है कि यस, स्टार्ट तो ये हुआ एक सूडू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बिल्कुल इससे शुरुआत हुई। और लेकिन कुछ महीनों से, जब से इलेक्शंस हुए हैं तब से ही ये आ रहा है। वेरियस हार के ताकतें भी और देश में भी कह रहे हैं कि बॉयकॉट किया था पीएनपी ने, मेन ऑपोजिशन पार्टी ने, तो ये इलेक्शंस जो हैं ये वैलिड नहीं है। और इस टाइप का ऑलरेडी शुरू हो गया था मंबलिंग्स रंबलिंग्स जिसे कहते हैं जी। लेकिन ये जो एक आरक्षण का जो ये बात आई, जो कोर्ट ने फिर से उसको रिवाइव किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बंद भी कर उसको होल्ड भी डाल दिया उसके ऊपर, लेकिन जो शुरुआत हुई वो उससे हुई कि हमें ये इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते स्टूडेंट्स का, और शुरुआत उसी से हुई। लेकिन मुझे लगता है ये हाईजैक किया गया, ये पूरा जो प्रोटेस्ट है हाईजैक किया गया है बाय अदर फोर्सेस हु आर इनिमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट एंड टू इंडिया एंड टू बांग्लादेश इंटरेस्ट एज वेल, मेरा मानना है। और इसीलिए ये सब इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आर्मी ने भी और पुलिस वालों ने भी ज्यादा जो एक्शन लेना चाहिए था इनको रोकने के लिए नहीं लिया। और जैसे हमने देखा वो अंदर प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में ऐसे और सब जगह पार्लियामेंट में ऐसे चले गए जैसे कोई रोक टोक ही नहीं है। और जो हिंसा की चीजें की उन्होंने, आई थिंक ये बिल्कुल ही गलत एक तरीका है हैंडल करने का। मुझे लग रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, और एलिमेंट्स जो है वहाँ के हुलिगन्स कह लो या जो भी उनको कह लो, जो साथ में मिल गए हैं और स्टूडेंट्स के को सामने करके ये अपना जो एजेंडा है सरकार को बदलने का, तख्ता पलट करने का। और आर्मी भी इसमें मुझे लग रहा है उनके पास शायद कोई चॉइस नहीं रह गया था ऐसे लगता है, क्योंकि जो सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा था और जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने शायद जो कुछ एक्शन लेना चाहिए था इसको रोकने के लिए उन्होंने शायद थोड़ा डिले कर दिया। उनको जल्दी से एक्शन लेना चाहिए था और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि मैं ये कह रही हूँ लेकिन साथ में मुझे लगता है कि और जो शक्तियां वहां पे बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, ऑल्सो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में और जो बीएनपी के सपोर्टर्स हैं इनकी ऑपोजिशन पार्टी के, वो इकट्ठा होके एक जो उन्होंने एक ये अभियान चलाया इनको सरकार को निकालने का, आई थिंक ये एक अनकंट्रोल्ड थिंग है। सब इतने सडनली दो दिन के बाद, दो केस बंद होने के बाद सडनली इकट्ठा होके आ गए, तो मुझे लग रहा है कि इनको उकसाया गया है। और ये शायद हालत बदल सकती थी, शायद उसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जब आर्मी आपके साथ नहीं खड़ी, आई थिंक थोड़ा सा उनकी कंटिन्यू करने के लिए उनको शेख हसीना जी को मुश्किल हो गया। पर मुझे लगता है कि शायद ये अगर वो रहती वहां पे और आर्मी ने एक जो स्टेप लिया, मुझे लगता है आर्मी चीफ ने जो कहा जा रहा है उससे कोई रिलेटेड है या जो भी, जिस कारण से भी उन्होंने उनको हेलीकॉप्टर आर्मी का दिया और उनको बाहर देश से कहा चले जाइए आप 45 मिनट्स में, टाइम दिया उनको निकलने के लिए, आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट, नहीं तो मुझे लग रहा है ब्लडशेड हो सकता था। आपने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट का यहाँ पर जिक्र किया। एक तो सबसे पहले जो प्रदर्शन के पीछे आपने जिक्र किया कि बाहरी ताकतें हैं,
तो क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूरी टाइमलाइन नजर आती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे सेना भी कहीं ना कहीं उन्हें बैकहैंड कर रही हो, क्योंकि जिस तरह से हमने पूरी टाइमलाइन देखी कि शेख हसीना का इस्तीफा दिया गया, उसके तुरंत बाद ही सेना प्रमुख आते हैं और उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में संभाल ली और फिर एक बयान दिया नेशनल टेलीविजन पे आके, तो क्या सेना बैकहैंड कर रही थी उन प्रदर्शनकारियों को, ये कहना सही होगा या नहीं? बैकहैंड कर रही थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लिस इन द सेंस वो कुछ एक्शन नहीं लिया उन्होंने जी, उनको रोकने के लिए जो लिया जा सकता था, तो उनको भी आई थिंक कहीं से या तो प्रेशर आया है या कहीं मैसेजिंग आई है, क्योंकि आर्मी में या वहां के सिविल सर्विसेज में भी सब किस्म के बीएनपी एंड प्रो बीएनपी एंड एंटी अवामी लीग और सारे जो उनके समर्थक हैं वो अभी भी काफी इंटीग्रेटेड हैं सरकार में, और नीचे के लेवल से मुझे लग रहा है इनके ऊपर प्रेशर आया होगा कि इसको आप रोकिए और यू नो इनके ऊपर स्टूडेंट्स पे हाथ मत उठाइए, तो इस टाइप का मुझे लग रहा है प्रेशर आया होगा जरूर, और मुझे साथ में लग रहा है इनकरेज नहीं किया ना भी किया हो, लेकिन जो उनको दिख रहा था कि ये सारे अगर आर्मी को बोलेंगे भी कि जाके इसको रोके, वो नहीं करेगी, जो लोअर लेवल है, जो एक बहुत बड़ा एक चंक मुझे लगता है जो सपोर्टर्स हैं ऑपोजिशन के, वो शायद इसमें हिस्सा ना लेते तो और एक म्यूटनी का टाइप ऑफ सिचुएशन हो सकता था, तो मुझे लग रहा है इसलिए आर्मी चीफ ने भी उस वक्त सब अपना सब और आर्मी के जो ब्रास टॉप ब्रास हैं उन्होंने अपना कोई इस पे एक्शन लेना सही नहीं समझा, जिस तरह से जी हाँ जी बोलिए जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि शेख हसीना जब देश छोड़ के जाती हैं उसके बाद स्थिति थोड़ी सी और बेकाबू होती है, उनके प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी जिस तरह से घुसते हैं, हमने वो तस्वीरें साफ देखी और शायद पूरे देश ने देखी क्योंकि वो तस्वीरें बहुत वायरल थी, प्रदर्शनकारी अंदर घुसकर सोफे पे लेटे हुए हैं, उसी तरह से हमने जो तस्वीरें देखी थी वो मुझे याद आता है कि श्रीलंका में भी इसी तरह से प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे, तो क्या ये कहना सही होगा कि बांग्लादेश के हालात भी अब कुछ कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं? एक्चुअली वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इकोनॉमिक रीजन से वहाँ पे हुआ है दोनों जगह, लेकिन बांग्लादेश की तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई है लास्ट फ्यू ईयर्स में, सॉरी जीडीपी भी बढ़ा है और लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हाँ एक है एक मुद्दा अभी भी, और आई थिंक सारे देशों में सारे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट की इशू आ गई है क्योंकि जॉब्स कम होती जा रही हैं गिवन यू नो एआई एंड कंप्यूटिंग एंड आईटी की वजह से जॉब्स कम होती जा रही, लेकिन सब इसीलिए सरकारी नौकरियों को की तरफ जाना चाहते हैं जो उनको कुछ परमानेंस देते हैं, और रिजर्वेशन की जो इशू था उससे ये शुरुआत हुई, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल उनसे प्रेरित हो सकती है जैसे ये स्टूडेंट्स गए हैं, और किसी ने रोका नहीं इस बात की मुझे थोड़ा सा आई एम सरप्राइज कि उनको रोका नहीं गया पीएम के रेजिडेंस में अंदर जाने से, क्योंकि वहां तो तैनात रहते हैं सिक्योरिटी भी और आर्मी भी, तो उनको बैरिकेड्स लगा देते उनको रोका जा सकता था, लेकिन उनको लगा कि आई डोंट नो रीजन क्या होगा वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल ही छोड़ दिया कि अच्छा खुला छोड़ दिया, ये नेगेटिव एक मुझे लगता है मैसेज हुआ है कि सिक्योरिटी उनके हाथ से भी शायद निकल गई थी या जो भी कंडीशन सिचुएशन थी, लेकिन अब आर्मी ने कहा है कि हम उसको संभालेंगे हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन एक जो ऑल पार्टी मीट की है उन्होंने अवामी लीग से किसी को नहीं बुलाया, जब ऑल पार्टी मीट करते हैं तो सभी से सबको मिलाना चाहिए था, लेकिन वो भी एक देखा गया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि अवामी लीग से कोई भाग नहीं था। आपने अभी अवामी लीग का जिक्र किया तो मुझे याद आता है कि शेख हसीना और भारत के अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे संबंध हैं, और भारत और बांग्लादेश पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंधों में है, तो क्या शेख हसीना का वहां पर प्रधानमंत्री ना रहना या फिर अवामी लीग का वहां पर सत्ता में वापस ना आना भारत के लिए कहीं खतरा होगा या फिर नुकसानदायक साबित होगा? पूरा इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे, और हर एक जब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमारे इंडियन कल्चरल सेंटर को उन्होंने आग लगा दी है, तो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो वहाँ पे उकसाया गया है वो बिल्कुल एक आगे चल के बायलैटरल रिलेशंस को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो भी वहाँ चाहे इंटरिम सरकार है चाहे आगे चल के इलेक्शंस होते हैं और एक और सरकार वहाँ आती है, आई होप डेमोक्रेसी को अलाउ किया करा जाएगा वहाँ पे पनपने के लिए और स्ट्रॉन्ग होने के लिए, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन इंटरिम गवर्नमेंट में पार्ट लेगा और कौन और कहा जा रहा है कि
बेगम खालिदा जिया को भी इस इंटरिम सरकार की प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, इंचार्ज बनाया जाएगा। तो इस किस्म की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इससे तो लगता है कि ये सब डिक्टेट हो रहा है किसी से, समबडी इज डिक्टेटिंग कि कौन बनेगा क्या करेगा। तो जो वहाँ की आर्मी है उनको भी इतना कुछ आई थिंक कंट्रोल नहीं है, पर हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ये पूरा जो मूवमेंट चला है वो एक एंटी इंडिया sentiment anti Khalida Zia, anti sorry Sheikh Hasina, but also anti India. क्यों इंडिया और उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमने बहुत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए हैं, ट्रेड का भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं हमारे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें एक एलिमेंट आ गया है जो इससे खुश नहीं है। और मुझे लग रहा है जो रीसेंट तीस्ता का जो प्रोजेक्ट का जो इंडिया को दे दिया है बेगम इन्होंने शेख हसीना ने, आई थिंक वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है इस जो उथल-पुथल हुई। आपने एक एंटी इंडिया आपने एक एंटी इंडिया वाले पॉइंट का जिक्र किया, तो मुझे याद आता है 2011 में भी बांग्लादेश में जब इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए थे, उस समय नारे लगे थे कि शेख हसीना को हटाना है, देश को भारत की पपेट बनने से बचाना है। तो क्या अब उसी तरह का प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला, वही हालात फिर बनते हुए नजर आए, तो क्या भारत के लिए सतर्क होने वाली बात है, क्योंकि पहले ही भारत बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे में एक तरफ चीन और पाकिस्तान तो तीसरी तरफ बांग्लादेश अब तक तो भारत का दोस्त रहा, मगर अब क्या हालात बिगड़ सकते हैं और इस बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ सकता है, क्या ये सोचा जाए और क्या भारत के लिए सतर्क होने वाली बात है? ये भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, ये बहुत मल्टी क्या कहें मल्टी फेस या मल्टी फ्रंट्स पे एक हमारा हमारे बहुत बड़ा, और ये एक उस बॉर्डर जो इतना बड़ा बॉर्डर है काफी पोरस बॉर्डर है जी। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारी सिक्योरिटी इम्पैक्ट ना हो, हमारे देश का जो सिक्योरिटी है वो इम्पैक्ट ना हो, और थोड़ा बहुत तो पड़ेगा मुझे लगता है सबसे फॉल आउट थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि वहां से अगर अभी थोड़ा सा कह रहे हैं कि आज थोड़ा काम है वहां पे सब शांति आ रही है, लेकिन क्या वहां पे ये कब तक उसको कंट्रोल पूरा कर पाएंगे, और जो मूवमेंट है क्योंकि वो इन्हें कह रहे हैं हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और जो अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो वो एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स ना आ जाए इसके बहाने, और जो नॉन जो इससे अफेक्टेड नहीं है उनके साथ और भी अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करें, तो इंडिया के लिए डेफिनेटली एक चुनौती है ये, जिसको हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और अपने बॉर्डर को एक सॉर्ट ऑफ रीइन्फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं वहाँ जो स्थिति है बनती जा रही है वो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई है कम्प्लीटली सारे हमारे अराउंड चारों तरफ, और ये जो कह रहे थे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का है और ये है वो है, ये सब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमने बहुत काफी कुछ प्रोग्रेस किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो हमारा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे थे सारे नेबरिंग कंट्रीज नॉट वेल एक्सेप्टेड बाय अदर कंट्रीज, उनको खासकर आई थिंक चीन इससे बड़ा नाखुश है कि इंडिया को थोड़ी भी प्राथमिकता मिले किसी भी चाहते कि उन्हें मिले, और वो साउथ एशिया और एशिया में नंबर वन माने जाए, नंबर वन पावर मान जो है हमसे बहुत आगे हैं चीन, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्री ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो वो सही है उनका और उनके उनको लगता है कि हमारा इंटरेस्ट इसी में है, लेकिन जो उन्होंने एक ये अभियान कहे हम लोग क्या जो बेचारा चलाया है हर एक नेबरिंग कंट्री में, मालदीव्स को देख लीजिए, श्रीलंका में कोशिश की उन्होंने, सब जगह कोशिश कर रहा है उन्होंने, और यहाँ जो एक कंट्री हमारे साथ रह गई थी फ्रेंडली टाइज के लिए के साथ उनको भी उन्होंने कोशिश की है डिस्टेबलाइज करने की, और साथ में मुझे लग रहा है शायद कुछ पश्चिमी देश भी इसके पीछे रहे होंगे, और एक जो स्टेटमेंट यूएस उसके यूएस ऑफिस फॉरेन ऑफिस से आया है स्पोक्समैन का, उसमें भी थोड़ा लगता है वो दे वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो आई थिंक ये हाँ दे वुड क्योंकि वहां पे जो इससे शायद जो अराजक ये जो वायलेंस है ये रुक जाए तो उसके लिए डेफिनेटली वेलकम है, लेकिन ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी और जो आगे डेमोक्रेसी की बात होगी वो उसको अभी हमें नजर रखनी होगी, और इंडिया का जो सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर भी हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा और अपना आपको और भी मजबूत करना पड़ेगा हमारे जो डिफेंसेस हैं।
बिल्कुल, आपने अभी जैसे जिस तरह से बात की कि इंडिया की हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही, हमने देखा भी उसका एग्जांपल कि किस तरह से अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण था तब 7 देशों के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके राजनयिकों को बुलाया, उनके चीफ को बुलाया गया था कहीं ना कहीं। और हमने देखा हाल ही में जब 2023 में G20 समिट हुआ था तब शेख हसीना को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था G20 में। अब कहीं ना कहीं ये हालात चिंताजनक भारत के लिए बेशक हैं, मगर एक सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और खड़ा हो रहा है कि जब हमने देखा कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना का विमान बांग्लादेश से उड़ा और भारत में लैंड किया, तो भारत ही क्यों चुना शेख हसीना ने, वो कहीं और भी उड़ान भर सकती थी, ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे हम। जो कुछ मैंने सुना है और पढ़ा है उसके लिए आई थिंक इट्स बिकॉज कि हेलीकॉप्टर था तो ये कहीं का आसपास ही जाता और कहीं आसपास कहीं उनके कोई फ्रेंडली टाइज इतने हैं नहीं तो उनको यहीं आना था। और हम भी एंड इंडिया इज अ ट्रस्टेड फ्रेंड फॉर बांग्लादेश एंड फॉर बेगम शेख हसीना एंड ऑल्सो और कहाँ जाती आई थिंक, और इंडिया को बिल्कुल एक उनकी एक क्या कहे ट्रस्टेड एक ट्रस्ट है, वी कांट लेट आवर फ्रेंड्स डाउन। और पहले भी वो आई हैं यहाँ पे, रुकी हैं जब उनको आई थिंक 75 में जब उनको छोड़ के जाना पड़ा बांग्लादेश जब उनकी फैमिली को मारा गया तो तब भी वहाँ इंडिया में रही हैं काफ़ी साल, आई थिंक 5-6 साल यहाँ रही हैं वो। तो एक हमने उनको पनाह पहले भी दी है क्योंकि हमारे बहुत जैसे उनके इंडिया वॉज इन्वॉल्व उनके उनके फॉर्मेशन में और इसलिए अगर एक आप देखें हिस्ट्री में जाके जो वहाँ पे जो लोग थे सब लोग इन्वॉल्व नहीं थे फ्रीडम मूवमेंट में, एक बहुत स्मॉल माइनॉरिटी थी जो फ्रीडम जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे वो इन्वॉल्व थे और बहुत अदर्स और बहुत सारे मेजॉरिटी वो कोलैबोरेटिंग पाकिस्तानी सरकार के साथ भी और पाकिस्तानी फौजों के साथ भी और अपने ही लोगों को मार भी रहे थे उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। तो आपने सुना भी होगा रजाकार बात हुई है तो ये रजाकार जो थे उनको बोला गया था दे वर कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट देयर ओन पीपल, तो वो जो एलिमेंट है वो एक और तो वो अभी भी क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फ्रीडम मूवमेंट क्या था क्या नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं थे मेजॉरिटी और जो अलग थे इन्वॉल्व भी नहीं थे और जो कोलैबोरेट कर रहे थे वो एज इट इज अगेंस्ट अवामी लीग थे। तो वो एक देखा जा रहा है कि ओवर द इयर्स नाउ 50 साल हो चुके हैं तो उसमें 50 साल से ऊपर हो चुके हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक काफी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुक्ति वाहिनी क्या था और क्योंकि उनकी जो टेक्स्ट बुक्स में भी हम जब थे वहां पे हमने देखा कि काफी एक नैरेटिव था कि इंडिया वॉज द एनिमी एंड इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ अट्रोसिटीज, इस किस्म की चीजें उनके पढ़ाई जाती हैं, उनको लगता है इंडिया का ही फॉल्ट है फॉर एवरीथिंग। और साथ में एक उनको ये भी बीच बीच में हमें सुनती रहती थी कि अब भी सुनते हैं कि इंडिया इज अ बिग ब्रदर, ऑफकोर्स इंडिया इज अ बिग ब्रदर बट हमें भी हम काफी माइंडफुल हैं मुझे लगता है और होना भी चाहिए कि हमारे जो छोटे नेबर्स हैं उनके साथ हम बिग ब्रदर तो है क्योंकि हम बड़े हैं बड़ा देश है बेशक, लेकिन एक छोटा बड़ा भाई वाला जो रिश्ता है वो भी कायम रखना चाहिए दोनों पे बोथ वेज से। और ज्यादा तक ऐसा उन्होंने अच्छा रिलेशनशिप रखा है लेकिन अब एलिमेंट्स हैं ऐसे कुछ कहते हैं कि इंडिया हम हमको जैसे आपने कहा पपेट बन रहा है और ये बन रहा है इस टाइप का बांग्लादेश को पपेट बना, लेकिन हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे नेबर्स भी डेवलप करें क्योंकि हमारे साथ वो डेवलप करेंगे तो खुशहाली होगी रीजन में पीस रहेगा। एक और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि शेख हसीना अब लंदन के लिए उड़ान भर सकती हैं, क्या ये सही है, क्या वो किसी दूसरे देश में जा सकती हैं या फिर फिलहाल वो भारत में ही पनाह खोज रही हैं, आपको क्या लगता है? अभी वो तो वो डिसाइड करेंगी मुझे लगता है, लेकिन जो खबरें आई थी उनके जो फैमिली मेंबर्स भी कह रहे हैं कहीं लंदन या 2-3 और जगहों के नाम लिए गए हैं फिनलैंड और बेलारूस वगैरह, तो वी डोंट नो व्हाट शी विल डिसाइड। जहाँ उनको इंडिया में भी उनकी सेफ्टी थोड़ी सी उनको पता है कि यहाँ पे बहुत इनिमिकल एलिमेंट्स इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं बहुत आसानी से बॉर्डर से, तो उनकी उनके लिए शायद इस वक्त कहीं दूसरे देश में जहाँ उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके और जो उनको असाइलम दे तो वो तो वी हैव टू वेट एंड सी विच कंट्री विल गिव असाइलम टू हर, बट उनकी चॉइस है, इंडिया आई थिंक विल नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन हर। बिल्कुल, 1970 के दशक में भी उन्होंने जर्मनी में एक बार पनाह ली थी, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत बुलाया तब वो भारत में रही, हो सकता है कि शायद वो जा सके, ये खैर देखने वाली बात होगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को इतनी करीब से देखा है, बांग्लादेश में जो आरक्षण का पूरा मामला था जिस तरह से पहले आरक्षण दिया जाता था 30% जो वहाँ की
जो बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट में शामिल थे उनके परिवार के लोगों को मिलता था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे 5% कर दिया। क्या ये पूरा आरक्षण सही है आपके हिसाब से, या फिर आप उस आरक्षण को कैसे देखते हैं, क्या वो दिया जाना चाहिए या फिर हटा दिया जाना चाहिए? ये आरक्षण का जो मामला है आपको पता है एक बहुत सेंसिटिव इशू है, हमारे देश में भी है, वहां पे भी है, क्योंकि एज आई सेड जो जितने जो लोग इन्वॉल्व थे फ्रीडम मूवमेंट में वो बहुत ज्यादा नहीं है, और जो थे इन्वॉल्व बहुत सारे सालों को मारा गया और बहुत सारे छोड़ के चले गए अपना देश, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग है नहीं जो जो इस आरक्षण से बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मुद्दे ऐसे ही होते हैं, और स्पेशली अब जब यंग पीपल की जो तादाद है वो बढ़ रही है और जॉब्स कम है, तो एक ये हमेशा एक सेंसिटिव इशू है और एक इशू है जिसमें सबको बहुत ही जल्दी से रोष आता है, तो मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि सब का आरक्षण इज एन इशू, बट कहीं कहीं जरूरी होता है, लेकिन वो सबको की रजामंदी से होना चाहिए मेरा। बेशक, फिलहाल अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है और वहां पर चुनाव कब होते हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण से बातचीत के लिए।